This is that. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Hello, I'm Ghost. ये रिकॉर्डिंग दरअसल उन लोगों के लिए है जो बेचारे फिजिकल क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंजमेंट रहेगी। आप लोगों को लिंक अपडेट कर दिया जाएगा, इस क्लास को आप दोबारा भी देख सकेंगे अपने घर में बैठ कर। हम कोशिश करेंगे आपको हर एक सहूलियात प्रोवाइड करें जो पॉसिबल हो सके। State of matter, and that one is yes. Okay, sir. वैसे तो अगर आप देखें, अगर कोई आपसे पूछे कि मैटर के कितने स्टेट्स हैं, तो फोर नहीं, थ्री केमिस्ट्री में या फिजिक्स में सेवन स्टेट ऑफ मैटर। सेवन स्टेट ऑफ मैटर में आप सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, तो ये आसान है, मतलब ये से आपका पता है। लेकिन इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल्स, कोलाइड और एक मेटाफोरिकल स्टेट जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी वन, so that one are considered to be the seventh state of the matter. अब हम इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, there are three state of matter. अगर आप देखें तो एक आपके पास है सॉलिड, दूसरा आपके पास है लिक्विड और तीसरा आपके पास है गैस। इनमें फर्क क्या होता है? इनमें फर्क सिर्फ ये होता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, मैं लफ्ज यहाँ पे पार्टिकल इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज द पार्टिकल्स में भी एटम, मॉलिक्यूल और मतलब फॉर्मूला इफेक्ट जो कुछ हो सकता है, उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। सॉलिड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट इज एन सॉलिड। लेकिन जब आप इन्हें हीट करते हैं तो हीट करने से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और दूर होने से हमारे पास आप कह सकते हैं कि दे आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में ये पार्टिकल्स एक दूसरे से और भी एक्चुअली क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप जवाब दे पाए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या स्टेट हो सकता है? इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्टेट में होता है या इलेक्ट्रॉन लिक्विड स्टेट में होता है या इलेक्ट्रॉन गैसीय स्टेट में होता है? ये अब एक सोचने वाली बात है ना। अब मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। स्टेट ऑफ मैटर इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? अच्छा, एक होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन बल्क, जो बल्क ऑफ एटम्स पे डिपेंड करे, तो उस प्रॉपर्टी को जनरली क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैंने आपसे सवाल किया कि इलेक्ट्रॉन का क्या स्टेट है, तो इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूं कि सोडियम के एक एटम का क्या स्टेट हो सकता है, तो सोडियम के एक एटम का कोई स्टेट नहीं होता। स्टेट तब आता है जब बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाते हैं। अगर आप वो देखें, व्हाट इज सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं? जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या हो, करीब हो। नजर आ रहा आप लोगों को? लिक्विड में क्या होता है? दूर हो। और गैसेस में क्या होता है? और लेकिन अगर मैं आपको एक
पार्टिकल ले लो ये, तो बुझोगे इस एक पार्टिकल का क्या स्टेट है, तो एक पार्टिकल का कोई स्टेट नहीं है। स्टेट तब आता है जब बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का कहना कि क्या स्टेट है, तो दरअसल इलेक्ट्रॉन का कोई स्टेट नहीं है। इलेक्ट्रॉन हैज नो स्टेट बिकॉज स्टेट जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। दोबारा रिपीट करें, कौन सी प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक। व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द बल्क ऑफ मैटर। इसके अलावा लव डेंसिटी आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, डेंसिटी। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक, जो एक एटम पे डिपेंड नहीं करती बल्कि इट डिपेंड्स अपॉन द बल्क ऑफ एटम्स। इट डिपेंड्स अपॉन द बल्क ऑफ एटम। बात की समझ आ रही है? तो यानी अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का क्या स्टेट है, तो आपने क्या जवाब देना है कि इलेक्ट्रॉन का कोई स्टेट नहीं है, बल्कि स्टेट कौन सी प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। एक एटम का क्या स्टेट होता है, एक एटम का कोई स्टेट नहीं होता। स्टेट बहुत सारे एटम्स का होता है, इसलिए हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैं लव्स ये नहीं कहता स्टेट ऑफ एटम, बल्कि हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो बात समझ आई स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो स्टेट है ये दरअसल कौन सी प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ये ठीक है। अब स्टूडेंट, एक सॉलिड लिक्विड और गैस में और क्या फर्क है, जहाँ वन बाय वन प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। आपके ख्याल में इनमें से कौन सा कंप्रेसिबल हो सकता है, इनके दरमियान में स्पेसेस बहुत कम है, राइट स्टूडेंट? लिक्विड के दरमियान में जो स्पेसेस कम है, तो सॉलिड इज नॉट कंप्रेसिबल एंड लिक्विड इज वेरी लेस कंप्रेसिबल, जो ना होने के बराबर है। एंड सिर्फ सिर्फ कौन सी चीज कंप्रेसिबल है, गैस। गैस सिर्फ आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गैस के दरमियान में मॉलिक्यूल जो पार्टिकल के दरमियान में जो स्पेस है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज डेफिनेट शेप। आपके ख्याल में इसमें से किसका शेप होगा, सॉलिड का शेप होता है, लेकिन लिक्विड और गैस का कोई शेप नहीं होता। लिक्विड और गैस को जिस कंटेनर पर डालोगे वो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन सॉलिड का शेप होता है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, तो स्टूडेंट याद रखिए सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। गैस को आप छोटे से कंटेनर में भी रख सकते हो और उसी गैस को एक बड़े कमरे में भी रख सकते हो, राइट स्टूडेंट? लेकिन अगर आपके पास एक लीटर पानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 1 लीटर, राइट स्टूडेंट? तो आप कह सकते हैं कि डेफिनेट वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछी जाए कि इसमें से कौन सी चीज डिफ्यूजन शो कर सकती है, जरा सोचें। अच्छा, पहले बताएं कि सॉलिड डिफ्यूजन शो कर सकता है, सॉलिड डिफ्यूजन शो नहीं कर सकता, राइट स्टूडेंट? अगर सपोज ऐसा होता कि सॉलिड डिफ्यूजन शो करता तो क्या होता, सपोज है आप आज जिस चेयर पे बैठे हुए, कल अगर आप आते तो ये चेयर इस क्लास से क्या होती, बाहर चली जाती, राइट स्टूडेंट? क्योंकि चेयर की क्वांटिटी क्लास में क्या है, ज्यादा है। तो कीप इन योर माइंड सॉलिड डिफ्यूजन शो नहीं करता। सोचें क्या लिक्विड डिफ्यूजन शो करता है? हाँ, कूलर में से पानी निकलता है, कूलर भरे आप बटन दबाएं तो पानी निकलता है ना। यानी अगर आपके पास एक टंकी पानी से भर जाए और अगर आप उसमें से नलका खोल लें तो पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब लिक्विड डिफ्यूजन शो करता है और गैस भी क्या शो करता है, डिफ्यूजन, लेकिन सॉलिड डिफ्यूजन शो नहीं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि डिफ्यूजन किस बात का सबूत देता है। किसी मॉलिक्यूल में अगर डिफ्यूजन होती है या किसी चीज पे डिफ्यूजन होती है तो वो क्या शो करता है, तो याद करें इट शोज द मॉलिक्यूलर मोशन। इट शोज द मॉलिक्यूलर मोशन, और खास तौर पर अगर कोई पूछे कि कौन सी मोशन की बात करेगा तो याद रखें ट्रांसलेशन मोशन। कौन सी मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। ये एमसीक्यू पास्ट पेपर में आ चुका है कि डिफ्यूजन किस बात को रिवील करता है। डिफ्यूजन इस बात को रिवील करता है कि मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट पांचवी बात अगर मैं डिस्कस करूं, पांचवी प्रॉपर्टी दैट इज डेंसिटी। आप मुझे बताएं आपके ख्याल में किस चीज की डेंसिटी सबसे ज्यादा हो, सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की? याद रखें सॉलिड की डेंसिटी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी, और लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, और गैस की डेंसिटी सबसे क्या होगी, कम होगी।
तो सॉलिड लिक्विड और गैस में से सबसे कम डेंसिटी किस चीज की होगी? सवाल पूछता हूँ डेंसिटी के मुकाबले, ये बताएं कि अगर आपके पास एक तराजू है, एक तरफ 10 किलो लोहा रखे, लोहा, दूसरी तरफ 10 किलो रुई रखे, बताओ कौन सा भारी दोनों क्या होंगे? सेम। फर्क सिर्फ ये होगा 10 किलो लोहे का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, लेकिन 10 किलो रुई का वॉल्यूम क्या होगा? तो फर्क ये होगा कि लोहे की डेंसिटी ज्यादा है होगी और जो रुई है उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से कोई अगर आपसे पूछे कि डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, सॉलिड की सबसे ज्यादा है, लिक्विड की उससे कम होगी और गैस की सबसे क्या होगी, कम होगी। एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? स्टूडेंट ये कहा जाता है कि डेंसिटी, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड is almost 1000 times greater than the density of the gas. Point to be noted, students. ये बात जरूर समझ लीजिएगा। Solid और liquid की density अमूमन gas की density से तकरीबन कितने गुना greater होती है? 1000 times greater होती है, students. इसके बाद अगर मैं आपसे energy की बात पूछूं, तो अब आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे, बल्कि आपको देने का हक भी बनता है कि आपके ख्याल में solid, liquid और gas में से किसकी density सबसे कम होगी और किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? जल्दी, सॉरी, किसकी एनर्जी सबसे कम होगी और किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? एनर्जी ज्यादा होगी, मोशन होगी, ज्यादा होगी। प्रूफ देकर बताएं कैसे? अच्छा ये बताओ, सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, क्या करके? हीट देके। इसका मतलब सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इसका मतलब है कि लिक्विड की हीट या एनर्जी सॉलिड से क्या होगी? हाउ कैन यू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस? बाय गिविंग देम एनर्जी। तो इससे ये पता लगता है कि सबसे कम एनर्जी किसकी है? सॉलिड की, उससे ज्यादा लिक्विड की और उससे ज्यादा गैस। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो गैस की होती है। एवरीवन के, मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा, मैं बस इन बातें डिस्कस करूंगा। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की, किस किस की, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, और मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि इस तीनों में अब डिफरेंस किस चीज का होता है। एवरीवन क्लियर? मुझे बताओ सोडियम के एक एटम का क्या स्टेट होगा? नहीं होता, नहीं स्टेट होता। सोडियम के एक एटम का कोई स्टेट नहीं होता, स्टेट तब आता है जब बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं। एवरीवन क्लियर? अच्छा, अब हमारा जो इस चैप्टर में ताल्लुक है, हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा स्टेट डिस्कस करेंगे? अच्छा, अगर हमने गैस को डिस्कस करना है, इफ वी हैव टू डिस्कस द गैस, तो स्टूडेंट गैस को डिस्कस करने के लिए, इफ यू वांट टू डिस्कस द गैस, तो कुछ चीजों को डिस्कस करना होगा। सबसे पहले गैस में इस्तेमाल होने वाला टर्म जो है, दैट वन इज द प्रेशर। आपने और मैंने इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है, मैं आपसे जल्द काफी कर चुका हूँ प्रेशर का। व्हाट इज प्रेशर? द फोर्स पर यूनिट एरिया। आप कह सकते हैं कि द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं द प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का प्रेशर किसकी वजह से होता है? आपको पता है कि गैस, अगर आप एक कंटेनर में तो गैस मॉलिक्यूल लें, तो दीज मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, और मोशन करते वक्त ये आपस में भी कोलाइड करेंगे, और उसके साथ साथ ये इस कंटेनर या इस बॉक्स के वॉल से भी कोलाइड करेंगे। और आपको पता है कि जब ये मॉलिक्यूल इस वॉल से कोलाइड करेंगे, तो इस कोलिजन से एक्चुअली क्या चीज क्रिएट होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। तो अगर कोई पूछे कि गैस का प्रेशर असल में किसकी वजह से होता है, तो आप कह सकते हैं कोलिजन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एंड दैट प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज the force per unit area. So that one is actually called as pressure. Right, student? दोबारा बताइए, what is pressure? The force per unit area. अब हमारे यहाँ पे जो concern है वो है इसकी unit के साथ, the unit of pressure. तो शायद आपको पता है इसके formula से भी आप निकाल सकते हैं। एक हमारे पास unit हो सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा आप लोगों ने नाम सुना है पास्कल, सुना है ना आपको? इसके अलावा एक और आपने नाम सुना होगा एटीएम,
and another one is the torr, and another one is the millimeter of mercury. Kya cheez hai? Millimeter of mercury. Iske ilawa the another one is the psi. Ye hamare paas pressure ki unit hai. अब एक आपस में रिलेशनशिप क्या है ये हम आपने याद रखना है. जरा देखिए 1 atm is equal to 760 torr and that is equal to 760 millimeter of mercury and that is equal to 101325 newton per meter square and that is equal to 101325 pascal. And that is equal to 14.7 psi के बराबर है. याद रखिएगा, जरा मेरे साथ कुछ रिपीट करो ताकि आपको याद रहे. 1 atm is equal to 760 is equal to 760 is equal to 101325. इसको याद करो, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. And that is equal to 101325 pascal and that is equal to 14.7 psi ke barabar hai. Sir, we are like, acha bataye kon kon se unit same hai, kon kon se unit aapas mein barabar honge. Torr aur millimeter of mercury kya hoga? Barabar hoga. Aur batao, pascal kya hoga? Barabar hoga. Right, student? Acha, ab main aapko samjhana chahta hu 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का मतलब क्या है. और मैं आपको इस यूनिट को समझाना चाहता हूं. ये जो हम बोलते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं. आप एक काम करें, आप एक वाटर पाथ लें, उसको आप मर्करी से फिल कर दें. मर्करी का सिंबल क्या होता है? एच. दिस इज मर्करी, राइट. आपने वाटर बाथ लिया और उसको आपने फिल कर दिया किस चीज से? मर्करी से. इसके बाद आप एक पतला सा सिलेंडर लें, राइट स्टूडेंट, जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. एरिया कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप उसको भी किससे भर लें? मर्करी से. और अब इस सिलेंडर को इस कंटेनर पे इन्वर्ट कर दें. जब आप इस पे इन्वर्ट करेंगे तो आप जरा देखिए यहां पे क्या होगा. आप इसको इसको उल्टा करेंगे. आपने इसको किससे भरा हुआ है? मर्करी से. ठीक है भाई, आपने इसे मर्करी से भरा हुआ है. मुझे बताओ क्या ये मर्करी नीचे आने की कोशिश करेगा? बोलो यस या नो. करेगा ना, बिकॉज इसकी ग्रेविटी होगी. लेकिन स्टूडेंट, जब ये नीचे आएगा तो ये लेवल जो है इस जो वाटर बाथ का, ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा. जब ये ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि एयर एग्जर्ट सर्टेन प्रेशर, हवा का कोई प्रेशर होता है और हवा यानी एयर प्रेशर यहां पे अप्लाई करनी होगी और हम उस प्रेशर को बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बोलो क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मुझे बताओ क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको नीचे आने देगा? सोचो सोचो जल्दी से मुझे बताओ. ये नीचे आने की कोशिश करेगा? यस सर. लेकिन ये इसे अगर जब ये नीचे आएगा तो ये लेवल क्या करेगा? ऊपर जाएगा और हवा इसे ऊपर जाने नहीं देगी. एनीहाउ ये कुछ समय तक आएगा और फिर और नीचे नहीं आएगा. जब हम देखेंगे कि इससे कितनी हाइट मेंटेन रही, तो अगर आप इस हाइट को देखो तो ये हाइट तकरीबन बराबर होगी 760 मिलीमीटर, राइट स्टूडेंट? बताओ कितनी हाइट मेंटेन की? 760, राइट स्टूडेंट? अब ये हाइट किसकी वजह से है? जल्दी से बताओ किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से. तो अब मुझे बताओ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा जो मर्करी की हाइट को कितना मेंटेन कर सके? 760, राइट स्टूडेंट? एंड दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंसीडर्ड टू बी द 180 प्रेशर, राइट स्टूडेंट? इसे क्या बोलेंगे? 180. नाउ इज देयर एनीवन हु कैन डिफाइन व्हाट इज 180 प्रेशर?
The pressure which can maintain the height of the mercury by 760 millimeter. Right, student? लेकिन उस सिलेंडर का एरिया याद रखें, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. Right, student? एक काम करें, जरा एटीएम की डिफिनेशन लिखें. 1 एटीएम. प्रेशर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा कि 1 एटीएम का मतलब क्या होता है. लिखो, 1 एटीएम इज द प्रेशर विच कैन मेंटेन the height of mercury by 760 millimeter. ब्रैकेट में लिखें 76 सेंटीमीटर. 76 सेंटीमीटर. Right, students? Yes, sir. Which must be placed in a cylinder having cross-sectional area of 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. मेरे से सर स्टूडेंट सवाल पूछते थे, सर ये प्रेशर में मर्करी का क्या रोल होता है, प्रेशर में मर्करी का क्या रोल होता है? तो आज आपको पता लग गया कि दरअसल हम प्रेशर किसके रेफरेंस से मेजर करते हैं? मर्करी के रेफरेंस. बोलो बेटा, किसके रेफरेंस से? मर्करी के रेफरेंस. राइट स्टूडेंट्स, हम थर्मामीटर में क्या इस्तेमाल करते हैं? मर्करी वगैरह इस्तेमाल करते हैं. मर्करी इसलिए कि मर्करी में एडहेसिव फोर्सेस बहुत कम होती है. बोलो, मैंने क्या कहा? एडहेसिव फोर्सेस. ये चिपकता नहीं है, तो वो फैक्टर उसमें मौजूद नहीं होता. राइट स्टूडेंट, एक बार दोबारा बताएं जी, 1 एटीएम इज इक्वल टू, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करो, मेरे को देखो, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1.05 मीटर स्क्वायर. And that is equal to 101.325 pascals. Right, student? And that is equal to 14.7 psi. Right, student? ज़्यादातर हमारे पास different units इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं पाकिस्तान में तो pressure apply करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वो psi. मैं अब आपको अंदाज़ा बताता हूँ, मेरे जो गाड़ी के टायर पे जो प्रेशर होता है, गाड़ी के टायर में जब मैं हवा भरवाता हूँ, तो दरअसल कौन से यूनिट में भरवाता हूँ? Psi. तो that is 30 psi. क्या चीज है? 30 psi या 30 psi बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? 30 psi. ये मैंने किसका प्रेशर बताया? टायर का. तो अब आप ज़हन में रख सकते हैं कि 30 psi कितना होता है. राइट स्टूडेंट, टायर की अगर आप गाड़ी के टायर की हवा देखें, जो प्रेशर जो होता है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 30 psi. राइट स्टूडेंट, ये ऑलमोस्ट कितने एटीएम के बराबर होगा? 2 एटीएम. कितने के बराबर होगा? 2 एटीएम. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा का प्रेशर, इस वक्त आप जो मैं बैठे हैं यहाँ पे, हवा का जो प्रेशर है वो दरअसल कितना एटीएम है? 1 एटीएम है. और साई के मुताबिक कितना होगा? 14.7 psi. Got it, student? अब आप ये बातें थोड़ी सी गपशप थी, बेसिक्स थी, आपको समझाने की थी. अब हम आगे चलते हैं. एंड वैसे आपको एक जल्दी से बताएं, आपको वॉल्यूम पता है क्या होता है? वॉल्यूम का तो आपको पता है, लेकिन आपको क्या यूनिट ऑफ वॉल्यूम पता है? जल्दी से मुझे बताओ, यूनिट ऑफ वॉल्यूम कौन कौन से? हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं डीएम क्यूब, लीटर, एमएल, सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब. बस याद रखना कि 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 एमएल. एंड 1000 एमएल इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब.
and that is equal to 10 to power minus 3 meter cube के बराबर है. याद रखिएगा student. जल्दी से बताओ what the mu is equal to? Right student. मैं कहता हूँ जाओ 1 लीटर पेप्सी लाओ. 1 लीटर पेप्सी. तो अब दूसरे लिहाज में उसे क्या बोल सकते हैं? Right student. अच्छा अब बताओ कौन कौन सी यूनिट आपस में सेम है ताकि आप एग्जाम में घुमाए जाएं. ml और मिलीमीटर सेम है और बताओ क्या चीज सेम है. ml एंड सेंटीमीटर क्यूब. चलो बताओ 10 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा. 10 ml. बोलो जल्दी से बोलो 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब और ml दोनों क्या होंगे. सेम. सभी बात क्लियर. नाउ आई मूव ऑनवर्ड टुवर्ड्स द गैस लॉस. गैस लॉस हमारे पास सबसे पहला जो लॉ है एंड दैट वन इज एक्चुअली बॉयज लॉ. कौन सा लॉ है? बॉयज लॉ. बॉयज लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. अच्छा क्या कहते हैं जी? कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस is inversely proportional to the external pressure. लेकिन condition क्या होनी चाहिए? At constant temperature and number of moles. इसके statement पे बोल दो. Volume of a gas is inversely proportional to the external pressure. बगैर copy के यहाँ पे देखो. बोल दो तुम क्या लिखा है? इसका मतलब ये है कि अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का प्रेशर क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा कम होगा. आप लोग हमें जानते हैं कैसे. अगर आप एक सिलेंडर लें और एक सिलेंडर में आप एक पिस्टन फिट करें बाहर से प्रेशर बढ़ाने से आप मुझे बताएं प्रेशर बढ़ाएंगे तो बताएं इसका वॉल्यूम क्या होगा कम होगा. जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम क्या होगा कम होगा. एक बात सुनो जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको अगर मैं डबल करूंगा प्रेशर को क्या करूंगा डबल तो वाज़ेह है वॉल्यूम क्या होगा हाफ हो जाएगा. एवरीवन क्लियर? प्रेशर को 10 टाइम करूंगा तो क्या होगा? 5 टाइम वॉल्यूम. प्रेशर को 10 टाइम कम किया है तो वॉल्यूम. प्रेशर को 10 टाइम ज्यादा किया है तो वॉल्यूम 10 टाइम क्या होगा. जितने टाइम प्रेशर चेंज होगा उतने टाइम वॉल्यूम चेंज होगा. लेकिन फर्क ये है कि प्रेशर ज्यादा होगा और वॉल्यूम कम. मानते हो सारे? हां यस सर. बोलो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स सर? वॉल्यूम वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाओगे यस सर वॉल्यूम क्या होगा श्योर यस सर. एक बार लेते हैं बेबी एक गुब्बारा लेते हैं. हम उस गुब्बारे में प्रेशर अप्लाई करते हैं. क्या अप्लाई करते हैं? अप्लाई करते हो बताओ क्या उसके वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ता है? बताओ उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है. तुम लोग तो कह रहे हो कि प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम डिक्रीज पहले जरा खामोश जरा सोच के जवाब दे. पहले खामोश. पहले बॉयज लॉ कहता है प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा. मैं प्रूफ कर दे रहा हूं प्रेशर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता है. लेकिन गुब्बारे में क्या हो जाता है? प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम नहीं होता. वॉल्यूम क्या हो रहा होता है? ज्यादा हो रहा है. अब सोचो कि क्यों. यहाँ पे एक कंडीशन वो देखो मैंने लिखा है कि इट मस्ट बी एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. जब तुम गुब्बारे की बात करते हो तो वहां पे तुम गैस की क्वांटिटी को क्या कर रहे होते हो? ज्यादा कर रहे होते हो. तो वहां पे दरअसल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे होते हैं? ज्यादा हो रहे होते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होने की वजह से वहां का जो प्रेशर है वो बेसिकली ज्यादा होगा और उसकी वजह से उसका वॉल्यूम एक्चुअली क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है. तो एनीहाउ वहां पे जो चीज है वहां पे जो थिंग है वो है नंबर ऑफ मोल्स. सही है जी. आपने अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करना है तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखना होगा? कांस्टेंट रखना होगा. एक दफा दोबारा बोलो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द बॉयज लॉ? याद रहेगा. अच्छा पहले बताओ बॉयज लॉ
किस चीज को कोरिलेट करता है? प्रेशर और वॉल्यूम, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? प्रोपोर्शनली साइन हटाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय पी, और अगर मैं पी को इस तरह लाऊं तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एवरीवन क्लियर? जी मुझे बताएं, ये तो एक इक्वेशन बन गई, क्या कोई इसे पढ़ के सुना सकता है? दोबारा सारे पढ़ो क्या था? पढ़ना तो आसान होता है, पढ़ना तो आसान होता है, लेकिन अब समझते हैं हमने इसका मतलब क्या है। लेकिन फिर एक दफा दोबारा पढ़ो, समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? सुनो स्टूडेंट, ओके, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से यहां पे देखो, केमिस्ट्री बड़ी सेंसिटिव चीज है। अच्छा, इसे प्यार से समझोगे तो समझ आएगी, उसे समझोगे तो समझ नहीं आएगी, सही है? तो अपने मिजाज में थोड़ी सी नरमी पैदा करो और फिर इसको सोचो, सही है? इस वक्त यहाँ पे सपोज प्रेशर है 2 atm और इस वक्त वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं 10 dm। अच्छा, अब आपने काम करना है, आपने प्रेशर को ज्यादा करना है। आपको भी मैंने बताया कि प्रेशर को ज्यादा करने से वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब मैं तुम्हें देखता हूं कि तुमने इसको कितना सीखा है। ये बताओ, मैं प्रेशर को 2 atm से बढ़ाकर 4 atm कर लेता हूं। ये देखो, प्रेशर इज इक्वल टू 4 atm। क्या यहां पे कोई है जो मुझे बता सके कि यहाँ पे वॉल्यूम इसका कितना हो गया? 5 atm। किस वक्त बोलते बेटा? प्रेशर पहले कितना है? 2 atm। अब कितना है? फर्क डबल का है ना? तो प्रेशर को डबल करोगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। हो जाएगा। तो 10 का हाफ बताओ कितना होगा? 5 dmg। राइट स्टूडेंट। अच्छा, आप चलते हैं किसकी तरफ? किसके बराबर आ रही है? 20। चलो अब यहाँ पे इस प्रेशर को P2 और वॉल्यूम को V2 ले देता हूँ। तो बताओ यहाँ पे क्या लोगे? P2 और V2। जल्दी से बताओ, P2 कितना है? 4 और V2 कितना है? 5। आंसर कितना आ रहा है? तो मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 20। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आ रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आ रहा है? दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? तो दोनों की वैल्यू क्या है? सेम का मतलब क्या? प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लेकिन शर्त ये है कि टेंपरेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए? अच्छा, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? तो ऐसे लिख सकता हूँ कि P1 V1 is equal to V2 V2। This is the mathematical form of the Boyle's law. This is the mathematical form of the Boyle's law. Everyone clear? अच्छा, what is the first statement of the Boyle's law? What is the second statement of the Boyle's law? Will always be? अच्छा, एक सवाल पूछूं? Yes sir. Yes sir. जवाब दे पाओगे? Yes sir. ये constant को मैं represent करता हूँ K से। आप मुझे बताएं, ये जो K है, क्या ये pressure पे depend करेगा? यहाँ पे प्रेशर कितना है?
यहाँ पे कितना है? लेकिन इस कॉन्स्टेंट की दोनों जगह पे वैल्यू क्या है? इसका मतलब ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा अब बताओ क्या ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा? बोलो जल्दी बोलो, ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो कीप इन योर माइंड दिस कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम। ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करेगा, टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कीप इन योर माइंड सिटूस, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, याद रखो इसको मैं बोलता हूं मोल्स कांस्टेंट। सर रिपीट करो क्या बोलूंगा? बोलता हूं ये मोल्स कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करेगा? टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। वेरी मच क्लियर? वेट करो देखो बात हो गई। What is the first statement of the boil, sir? What is the second statement of the boil, sir? What is it? Yes, sir. अब मैं ये चीज़ तुम्हें proof करके दूँगा, मतलब explain करके दूँगा, graphical explanation. Okay. Graphical explanation of boil, sir. चलो ग्राफ बनाना है, चलो बताएं प्रेशर और वॉल्यूम। टेल मी हैव यू कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्रेशर दरअसल क्या हो रहा है? राइट चिल्ड्रन, ऐसे बताओ प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा? तो क्या ये ग्राफ ठीक है? नो सर, कांस्टेंट डायरेक्ट रिलेशन। सारे मुझे बताओ ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम एक्चुअली क्या हो रहा है? इंक्रीज। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ हमारे पास नहीं है। दिस इज द ग्राफ व्हिच इज ऑपरेट ओवर हियर। इसको हाइपरबोला बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? मुझे बताओ ये क्या चीज रिवील कर रहा है? जल्दी से मुझे बताओ। प्रेशर क्या हो रहा है? बताओ क्या इसका फर्क पड़ रहा है? नीचे आ रही है। नीचे आने का मतलब क्या है? समझ आ गया? अच्छा चलो, अगर समझ आएंगे तो बताओ, अगर ये ग्राफ प्लॉट किए गए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या जो ये काम करते हैं, ये ग्राफ किस टेंपरेचर पर प्लॉट किए गए हैं? जीरो। तो इस तमाम एक्सपेरिमेंट में टेंपरेचर कांस्टेंट रहा है। तो याद रहे कि वो ग्राफ जिसमें टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है, हर उस ग्राफ को हम नाम देंगे आइसोथर्मल। वो ग्राफ जो कब ऑब्टेन हो कांस्टेंट टेंपरेचर, उस ग्राफ को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। ये क्या चीज है? आइसोथर्मल। एवरीवन क्लियर? किस इसका आइसोथर्मल है? चलो देखते हैं कि तुम जवाब दे सकते हो नहीं। टेम्परेचर चेंज करूंगा, टेम्परेचर को ज्यादा करूंगा, चलो आसान कर देता हूं। टेम्परेचर को ज्यादा करने से क्या इस कर्व पे कोई फर्क पड़ेगा? वो क्या नहीं होगा? ये ग्राफ बॉयल साहब का हर ग्राफ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तुम उसे कौन जवाब देगा कि टेम्परेचर को ज्यादा करने से ये ग्राफ ऊपर जाएगा या ये ग्राफ नीचे आएगा? जहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? सही। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे वॉल्यूम को देखो और यहाँ पे वॉल्यूम को देखो, जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम कम है। तो दिस इज द ग्राफ व्हेन द टेंपरेचर इज हाई एंड दिस इज द ग्राफ व्हेन द टेंपरेचर इज लो। अब बताओ चेंज आ रहा है? यस सर। कैसे चेंज आ रहा है? ये ओरिजिन है, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। चलो बताओ टेंपरेचर इंक्रीज कर लो, टेंपरेचर इंक्रीज कर लो। तो बताओ टेंपरेचर को इंक्रीज करने से ये ग्राफ जो है ये ओरिजिन से दूर जा रहा है या ओरिजिन के करीब आ रहा है? तो आप इसका जुमला कंप्लीट करो। व्हेन वी इंक्रीज द टेंपरेचर,
When we increase the temperature, what will happen with the graph? The graph will move away from the origin. Away from the origin. Was equal graph ka job. So let's take it to job. Job de sakte hai nahi de sakte hai khali nahi de sakte hai yes sir yes sir Are you observing? Yes, yes sir. Now, y-axis is क्या है? T है. और x-axis में क्या है? T है. क्या ये graph ठीक है? No sir. No sir. जरा सोचो ना, मैं तुम्हें सोचने का मौका भी देता हूँ. Constant. अच्छा ये graph तुम्हें क्या बता रहा है? पहले बताओ. Direct. T की value क्या हो रही है? ज़्यादा. क्या चीज़ ज़्यादा करने से? Pressure. लेकिन अभी हमने कहा. की वैल्यू क्या रहेगी और खास तौर पर प्रेशर को चेंज होने से चेंज ये ग्राफ ऐसे ऑपरेट नहीं होगा ये ग्राफ ओके ये टेंपरेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो फिर जरूर मुझे बताइएगा कि टेंपरेचर को ज्यादा करेंगे टेंपरेचर को ज्यादा करेंगे तो ये बताओ क्या इस ग्राफ में कोई फर्क पड़ेगा बॉयल्स का हर ग्राफ टेम्परेचर को पे डिपेंड करेगा और अभी तुमने खुद ही बताया अभी तुमने कहा ये कांस्टेंट पीवी जो है ये कांस्टेंट तुमने कहा बिल्कुल लिखा कि ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे चेंज होगा ना याद रखो अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ग्राफ अपडेट होगा चलो ये बताओ बस आपसे ये ज्यादा तुम नहीं करता वॉल्यूम और वन वॉल्यूम मजा आ गया सर अपने होस्ट मुताबिक को इजाजत दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें